नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए नए वीडियो के साथ में हाजिर हुआ। साथियों, कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ गए। किसी पार्टी के सिर पर चढ़ा कर्नाटक चुनाव का सिरमौर, तो कोई हार का सामना करके अब एनालाइज के मूड में आ गया है। साथियों, कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले आए हैं, क्योंकि सर्वेस की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो 5 से 6 एजेंसियां का सर्वे मैंने आपको बताया था, जिसमें चार एजेंसियां कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर बता रही थी। और माई एक्सेस, इंडिया टुडे माई एक्सेस की जो सर्वे है वो काफ़ी हद तक निर्णायक और सही आए, जैसा मैंने उसमें कहा भी था कि एक ये बड़ी एजेंसी है जिसके सटीक निर्णय भी आते हैं, और वही हुआ। 120 से 140 सीट के करीब, 122 से 140 सीट के करीब कांग्रेस को दिखाया था, और परिणाम भी वैसा ही है। 136 की सीट के साथ में कांग्रेस सरकार बनाने के, और बीजेपी सिमटते हुए 64, और जेडीएस को 22 सीट के साथ में इस कार्यकाल में वोट मिले हैं। अदर्स की बात करें तो 2 सीट उनके हाथ में है। साथियों, परिणाम तो अब आ गए। परिणाम आते के साथ में अलग अलग जो नेता है, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उसके अलावा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया, बधाई संदेश भी आने शुरू हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए अलग अलग जो पार्टी के जो नेता हैं उनके क्या अलग अलग बधाई संदेश है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, शुरुआत करेंगे जिसकी सरकार बनने जा रही है, मतलब कांग्रेस में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनकी बात करते हैं। खड़गे ने जीत के बाद कहा, ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं, जनता की जीत है, और कर्नाटक में अब लोकतंत्र आया है। उधर जो भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने जनता को बधाई देते हुए कहा कि कर्नाटक के चुनाव में एक तरफा जो क्रोमी कैपिटलिस्ट है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ क्रोमी कैपिटलिस्ट की ताकत दूसरी तरफ ताकत थी एक तरफ क्रोमी कैपिटलिस्ट की ताकत थी तो दूसरी तरफ गरीब जनता की ताकत थी, और इसमें गरीब जनता की जो ताकत है वो जीतती है। और आगे उन्होंने कहा कि आगे के राज में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गरीबों के मुद्दे पर हमने मुद्दे उठाए, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने नफरत की राजनीति नहीं करी, हमने प्यार बांटा, और बदले में हमें मोहब्बत ही मिली, और जनता मोहब्बत चाहती है। उसके बाद प्रियंका गांधी का आता है। प्रियंका गांधी ने जो अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे और राहुल गांधी को श्रेय दिया इस जीत का, साथ के साथ कर्नाटक के जो नेता हैं उन लोग को भी इस चीज़ की बधाई दी। साथ के साथ तंज मारते हुए कहा कि हनुमान का जादू नहीं चला, साथ के साथ ये भी कहा कि हनुमान जी अब नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। साथियों, उसके बाद बात कर लेते हैं कर्नाटक में जो पूर्व सीएम थे बासुराव बोम्मई, उन्होंने जब 12 बजे तक स्पष्ट हो गया था कि कौन जीत रहा है, उसके बाद मीडिया में आकर के उन्होंने कहा कि ये हार का ठीकरा अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम अब एनालाइज करेंगे क्या हार का कारण है और आगे फिर लड़ेंगे। उसके साथ 12-1 बजे तक करीब डी शिव कुमार जो है, जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, साथ के साथ सीतारमैया और डी शिव कुमार दोनों के बीच में अच्छा कंपटीशन है, कोई भी दोनों में से एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सीतारमैया कई बार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि डी शिव कुमार को मौका इस बार मिलेगा। डी शिव कुमार बहुत भावुक हो गए मीडिया के बीच में आकर के, और उन्होंने कहा कि वो वक्त को याद करते हुए जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे,
ईडी के जरिए, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। रोते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जब मैं जेल में था तो सोनिया गांधी मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने कहा था सब आगे ठीक होगा, और उनको धन्यवाद देते हुए, राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए इस जीत का श्रेय उन्हें दिया। साथियों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव की जीत के साथ कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हमने जिन जिन मुद्दों को उठाया था उन्हीं मुद्दों पर जनता ने वोट किया है। साथ के साथ उन्होंने किया कहा कि मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने चुनाव अपने ऊपर ले लिया था और अब चुनाव का हार जो हुई चुनाव में उसका ठिकरा भी उन्हीं पर फूटना चाहिए। साथियों, चुनाव 12-1 बजे तक जैसे जैसे परिणाम आए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को बधाई दी और कहा कि आज का दिन कांग्रेस का है। साथियों, अब बात कर लेते हैं विपक्ष के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन्होंने क्या चुटकी ली। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी की, उन्होंने हनुमान जी पर बोलते हुए बीजेपी की चुटकी ली, कहा कि बीजेपी से नाराज हनुमान जी अभी चल रहे हैं और अब वो कांग्रेस को जितवा रहे हैं। साथ के साथ उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में अब बीजेपी साफ हो चुकी है। उसके बाद साथियों बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो सुप्रीमो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी अमीरोन्मुखी महिला युवा विरोधी सामाजिक बंटवारे झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अब अंतकाल शुरू हो गया है। नए सकारात्मक भारत की का महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। साथ के साथ कांग्रेस को उन्होंने बधाई दी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए कर्नाटक के लोगों ने जो निर्णायक मतदान किया है उसके लिए उन्हें हम सलाम करते हैं। क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यकवादी राजनीति की हार हुई है। जब लोग लोकतांत्रिक ताकतों को जिताना चाहते हैं तब कोई भी सेंट्रल डिजाइन इस सोच को दबा नहीं सकता। उधर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बैठे जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने देश में तानाशाही की हार की शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है कहा। कर्नाटक के लोगों को इस सही निर्णय की बधाई। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं चला, बजरंग बली वाला मुद्दा नहीं चला, ये अब 2024 की शुरुआत है। तो साथियों, ये था अलग अलग विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से कर्नाटक के जो परिणाम आए उसमें अपने जो बाइट दिए हैं वो। तो साथियों, हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कर्नाटक एनालाइज को लेकर के हम और आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे गूंज लाइव न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, आगे फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए।